यूपी के मिर्जापुर जिले में एक विद्यालय में मासूम छात्र के साथ बेरहमी का मामला सामने आया है। अरोरा के सद्भावना शिक्षण संस्थान में बुधवार को शरारत करने की सजा के तौर पर स्कूल संचालक ने एक बच्चे को छत से नीचे उल्टा लटका दिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस मामले की जानकारी होने पर डीएम ने बीसीए को जांच के लिए मौके पर भेजा। इसके बाद बच्चे का शोषण करने के आरोप में संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरुवार देर शाम उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर विद्यालय की मान्यता निरस्त कर दी गई है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। हम स्कूल नहीं जाएंगे पापा। अच्छा हाँ, तो हमने कहा चलो बोला भी है। हाँ, ऐसे लटकाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम गुरु जी से समझेंगे, हम ये नहीं सहते। सद्भावना शिक्षण संस्थान में जो आज घटना घटी है, वो आप ही का बच्चा था? जी सर। क्या नाम था बच्चे का? सोनू यादव। और आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह यादव। कहाँ के निवासी हैं? अरोरा बुढ़ाचे। और क्या मामला था, किस वजह से बच्चे को उल्टा लटकाया गया था? बच्चा फुल्की खाने गए थे सभी बच्चा। हुँ? और वो बच्चा सब बच्चों को ढकेल रहा था, गुरुजी ने उसको पकड़ कर ले गए और काय चमका है। उसके बाद वो क्या किया हमको मालूम नहीं था, इतना मालूम है बच्चा बोल रहा था, मैंने जान रहा हूँ। ठीक, तुम्हारा क्या नाम है? मैं रोहन शंकर। तुम भी उसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। बच्चे क्या गलती थी बेटा? बच्चे वे फुल्की खा रहे थे सब बंद, तो उसके वे ढकेल रहा था, इसलिए सर जी उसको ऊपर से गोर पकड़ नीचे मुड़ी कर दिया। अच्छा, छत पर से किए थे? हाँ। ठीक, कहाँ तुम्हारे पिता का नाम है? पिता श्री राकेश शंकर। राकेश शंकर, कहाँ के निवासी हो? हम ये अरोरा। नहीं बजा, नहीं बजा रहे हैं तो दरवाजे लाते मार देना, बच्चियों के दांते काट लेना। उसके गार्जियन बहुत परेशान थे, 10-12 दिन से करके सुधारिए। उनके गार्जियन कहे सर इसको, जिसे उनके पिताजी को पढ़ाए थे पहले, जैसे हमको लटका इनको भी लटका सही कर दीजिए। बस हमने वही किया, कोई जो पीछे वायरल कर लिया। पिताजी को भी पिताजी माँ जी पिताजी कल आए थे। हुआ क्या था ये बताओ? हुआ क्या था? हुआ क्या था, एक लड़की को जो है छम पड़े थे, वो पिता बाथरूम गया, उसको दांते काट लिया स्तन पर। अभी लड़की भी गवाह है, लेकिन भाई ये तो जाने कोई लड़का जो है कहीं वायरल कर दिया, तो उसको ऐसे लटका दिए, वो गलत लटका है। हाँ, लटका दी गलती था ही है, लेकिन जानते हैं जब उसको दांते काट लिया, छोटा लड़का है, सोचे कि ऐसा नहीं मानेगा और काफ़ी चोरी करना सब करना। उसके गार्जियन भी कह रहे हैं मेरा लड़का कल साहस बोला कि मेरा लड़का जो है दुष्ट है, चली है, सब कुछ है। कितनी देर तक लटकाए थे? बस झंडे किए तो उठा लिए कि क्या ज़्यादा हम लटकाएंगे, वो लोग गिरता मर जाता तो। अरे गिरता क्यों, तुरंत उठाए तुरंत कर लिए। तो बच्चा है, कितने किस क्लास में पढ़ता था लड़का? 2 क्लास में। तो 2 क्लास का बच्चा है, आप हो जाती या कोई बात हो जाती तो? सर जिसे सीरियस बात में आदमी झेल रहा है और उसी तो और आगे झेलता है, तो क्या करता? मतलब कोई पछतावा नहीं आपको? पछतावा क्यों नहीं है, पछतावा तो ऐसी है कि आप टीचर हैं, ठीक है, पछतावा है, लेकिन जो भी किया गया, जो भी किया गया, जो हल किया क्या नहीं किया, इसकी पहले जांच करना चाहिए, क्या सच्चाई क्या है ये तो जांच किया चाहिए। आप स्वीकार करते हैं कि आपने किया था? स्वीकार ही है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होता नहीं। लेकिन इसको गार्जियन से बुला पूछा जाए, गार्जियन क्या चाहता क्या नहीं चाहता, क्या चाहती है। गुस्से में बोल दिया भाई आप मार दो तो मार दोगे, आप टीचर हो, आपकी आपको मान्यता मिली होगी। देखिए जैसे आप भी, आपके भी बेटा है, कुछ है गुस्सा में, आप भी मार देते होंगे या चोरी कर दे या कुछ, आपको सगमा लगता है कि पछतावा है या आप? नहीं, पछतावा तो बहुत है, पछतावा तो ऐसा है कि हम आत्महत्या कर ले तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? बताइए कहीं आत्महत्या कर ले हम तो? ये और पहले भी शरारत करता था शायद, वो हमेशा मतलब साल भर से वो चुल्ली था ही। उसे गार्जियन को भी जैसे हमको ले, गार्जियन को बुला के लीजिए, उसका भी बनाइए, सब ले हाँ, उनका भी जांच करिए, देखते हैं उनका भी वायरल कब कहाँ तक फैलता है। जब उनका वायरल नहीं फैलता तब आप लोग से हम भेंट करेंगे ना। कल सायंकाल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो वायरल हो रहा था, इसका संज्ञान लेके पता किया गया। यह सद्भावना शिक्षा संस्थान अरोरा मिर्जापुर में है और वहाँ के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार विश्वकर्मा हैं। इनके द्वारा एक बच्चा सोनू यादव, पुत्र रंजीत यादव को पहली मंजिल से उल्टा लटकाकर ऐसा अमानवीकृत किया गया। इसको तत्काल संज्ञान में लेके थाने पहुँच के उनके खिलाफ़ FIR करा दी गई है और उनके मान्यता प्रत्याहरण की भी कार्रवाई की जा रही है।